हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। तो अभी लगातार बहुत सारे एग्जाम्स के रिक्रूटमेंट चल रही है, एसएससी की का एग्जाम्स के रिक्रूटमेंट चल रही है, साथ ही साथ बैंकिंग एंड रेलवेज के एग्जाम्स के रिक्रूटमेंट चल रही है। तो इस वीडियो में हम एसएससी के अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी एमटीएस हवलदार की पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट हो रही है, इसमें क्या क्या अपडेट्स है, कौन सी एग्जाम कब होने वाली है, साथ ही साथ इसकी रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, कितनी वैकेंसीज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में, यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम के बारे में। तो इसकी जो टीयर वन है, ये ऑलरेडी हो चुकी है, रिजल्ट वगैरह सब आ चुकी है। टीयर टू की एग्जाम 18 नवंबर 2024 को होगी। और ये अगर वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 3712 वैकेंसीज है, अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। इसकी जो टीयर टू है, इसकी जो आंसर की आएगी, ये आपको 15 दिसंबर तक टेंटेटिवली देखने को मिल सकती है, एंड रिजल्ट जनवरी 2025 तक आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट चल रही है, यानी कि एसएससी सीजीएल की, तो इसकी रिजल्ट एंड टीयर टू की एग्जाम डेट्स क्या रहने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल यहाँ पे एसएससी सीजीएल में जो वैकेंसी निकली हुई है, ये 17727 है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। और अगर फॉर्म के बारे में बात करें तो टोटल 36 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन जब फॉर्म निकलता है तो वो फॉर्म फिल कर देते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि अप्रॉक्स 50% आप देखोगे कि लोग फॉर्म तो फिल कर देते हैं, 50% ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल अटेंडेंस रहा है टीयर वन के लिए, ये रहा है 18.13 लाख टीयर वन एग्जाम के लिए एसएससी सीजीएल की। तो यहाँ से आप समझ सकते हो लगभग 50% लोग ही, कैंडिडेट जो रहते हैं वो एग्जाम देने आते हैं, वो सीरियस रहते हैं। तो टीयर वन की जो एग्जाम रहेगी एसएससी सीजीएल की, ये आपको नवंबर एंड तक देखने को मिलेगी। और अगर बात करें टीयर टू की, तो टीयर टू की एग्जाम दिसंबर के थर्ड वीक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है कि आपने अगर टीयर वन दिया हुआ है तो आप इंतजार करते रहो कि जब टीयर वन का रिजल्ट आ जाएगा, क्वालिफाई हो जाऊंगा, तब मैं टीयर टू की तैयारी करूंगा। तो ऐसा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप टीयर टू की तैयारी करते रहो। इस बार अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप रेडी रहोगे, तो ये एक अच्छा मौका आपके लिए रहेगा। इसलिए जितना भी समय मिल रहा है प्रिपरेशन करते रहें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2024 की। तो इसकी जो एग्जाम है अभी, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 14 नवंबर 2024 रहेगी, एंड आंसर की एक्सपेक्टेड है कि एक वीक में, यानी कि एग्जाम के एक वीक बाद ही आपको देखने को मिल जाएगी, 2021 नवंबर के आसपास ही आपको इसकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो जो एसएससी एमटीएस हवलदार की जो पोस्ट है, इसके लिए टोटल 9583 वैकेंसीज रिलीज की गई है। एंड अगर यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो टोटल 57 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लगभग 50% कैंडिडेट्स सीरियस रहते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं, तो यहाँ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो टीयर इसकी जो एग्जाम होने वाली है एसएससी एमटीएस हवलदार की, इसके लिए लगभग 50% कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, मतलब लगभग 27-28 लाख कैंडिडेट्स ही एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो मतलब कंपटीशन फिर भी बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि केवल 9583 वैकेंसी है। ठीक है, और अगर बात करें कि इसकी फाइनल रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी एसएससी एमटीएस हवलदार के पोस्ट के लिए, तो एक्सपेक्टेड है कि फरवरी 2025 तक आपको इसकी फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये थी एसएससी से रिलेटेड अपडेट्स। आप कमेंट करके बताना कि आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या एमटीएस हवलदार किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, किसकी आप तैयारी कर रहे हो। एंड वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।